बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अच्छा भाई, गर्मी के बाद आप ये देखें, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। वाओ, ये हवा, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। ये चेक भरने के लिए ये पानी लगाया हुआ था, ये देखने के लिए आए हूँ ऊपर। यहाँ पे मौसम आपको ये देखें, चारों तरफ आपको दिखाता हूँ, मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हो चुका हुआ है। किया है मैंने, बारिश तो थोड़ी बहुत ही हुई है, इतनी बारिश नहीं हुई लेकिन मौसम अच्छा हो गया। ये बादल बने हुए हैं, ये चेक करें, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। इधर इनको चेक करें, मोर ऊपर चढ़ के ना मौसम एंजॉय कर रहा है। इधर कबूतर चेक करें, ये इधर ये मुर्गियां चेक करें, ये इनको थोड़ी देर तक खोलता हूँ भाई, इनको दाना वगैरह डालते हैं, फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये खुलने के इंतज़ार में, ये इनको भी देखें, ये सारे खुलने के इंतज़ार में, ये माशाल्लाह। इनको ये मकई दल की हुई मकई जो है ना, ये डाली है मोरों को, और बाकी परिंदों के लिए मैंने ना गंदम लेके आया हूँ, वो उनको खोलते हैं और उनको डालते हैं। ये देखें जी, ऊपर बारिश हो रही है, नीचे अपने मुर्गियों को और कबूतरों को मैंने खोल के तो दाना डाला है। इधर इनको मैंने डाली है गंदम, इनको मैंने डाली है मकई और रोटियां वगैरह, तो उनको मैंने रोटी जाके डाली थी, बाजरा भी डाला था, तो वो नहीं खा रहे। पता नहीं क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, ये निकलते ही नहीं है बाहर। तो चाय का टाइम हो चुका है जी, एक कप चाय, आए हाय आए हाय। ये बारिश, परिंदे और चाय। अब इनको डाला है तो अंदाज़ा करें, वो ये तो खा रही है फीमेल, मोर जाके तो वो अंदर खड़ा हो गया है, पता नहीं इसको क्या मसला है। मैं चाय पी लूं। ये इधर जी खा रहे हैं, इनको मुर्गियां देखी हैं ना, मैंने खोली हैं कबूतरों के साथ गट्ठे, तो इनको ना बार बार वो तंग कर रहे थे मुर्गियां और ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मुझे ना ये वाले मुर्गियां 3-4-5 ये गिफ्ट मिली हैं, मुल्तान से आई हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये किसने और कहां से मुझे मुर्गियां वगैरह भेजी हैं। बाकी इधर ये माशाल्लाह से खा रहे हैं, सारा ही खा चुके हैं, तो इनको फिर बंद करें क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो इनको टाइम से बंद करते हैं।
इधर इनके लिए रखा हुआ है, ये इनको सालन वगैरह और ये मकई जो है ना ये डालिए। तो इधर ये मेरे यार एक निकलता है बाहर और बाकी कोई नहीं। इनको रोटी भी डाली है, बाजरा भी डाला है, अभी इनको मकई डाल के दे। मौसम ठीक है तो मैंने सोचा क्यों ना मौसम का फ़ायदा उठाया जाए और सफाई कर दी जाए यहाँ से। ये इधर से मोटी मोटी सफाई कर देते हैं क्योंकि गर्मी में तो सफाई की नहीं जाती या जा सकती। की नहीं जा सकती इसलिए मैंने सोचा कि मौसम आज ठीक है तो यहाँ से सफाई कर दी जाए। ये सारी मुर्गियाँ ये मोर वाले रूम में आ चुकी हैं। मोर देखें वो अंदर चला गया, जैसे इसको सर्दी लग रही है। ये इधर आ गई हैं, कुछ ये बाहर हैं। ये देखें मोटी मोटी जो है ना मैंने इन 2 केजी की सफाई कर दी है। ये इधर अंदर मैंने रेत फेंकी है, ये चेक कर रहे हैं, इधर रेत डाल दी है ताकि यहाँ पे गंदगी वगैरह ना हो। सुरखाब को चेक करें, भाग के अभी जाएगा अंदर। ये हो गया, 1 मिनट लगाता है अंदर जाने के लिए। तो अभी देखते हैं बच्चे, ये देखें ये अपने बाप से ना खाना मांग रहे हैं। ये अभी इनको फीडिंग करवाएगा। ये देखते रहिएगा, मैं सामने हूँ ना अभी, तो ये नहीं करवा रहा, ये करवा रहा है। तो इधर चेक करें, ये बच्चे इससे फीडिंग मांग रहे हैं, तो ये मेरे सामने नहीं करवा रहा। मैं जब आगे पीछे हटूंगा तो ये शायद करवा दे। ये चेक करें, ये मादी बैठी हुई है अपने बच्चे के ऊपर। इधर चेक करें जी, ये शरीफ से बच्चे हैं 2 और एक इधर है। ये चेक करें जी, माशाल्लाह। ये मैंने जुगाड़ लगाया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे बैठेंगे ये, बैठ के तो अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। इधर ये चीख चीख के मांग रहे हैं बाप, ये बाप है इनका ना, ये मादी इनकी चीनी है एक, तो ये अपने बाप से खाना मांग रहे हैं। तो ये वाला नर है और ये वाला मादी है जो जिसका ये बच्चा है। नीचे इसके चेक करें, माशाल्लाह। ये चेक करें ऊपर, ये पेड़ लगा है नया नया, बच्चे थे ये दोनों, तो ये इधर पेड़ लग गया ऊपर। ये मैंने अड्डा बनाया हुआ जुगाड़ करके तो इसके ऊपर बैठे हुए। ये शाम की रूटीन आपके साथ शेयर की है मैंने, वीडियो बना के अपने परिंदों को बाहर निकाला, इनको दाना दुनका डाला, कुछ खा चुके हैं कुछ खा रहे हैं। बारिश हल्की हल्की हो रही है, ना हो रही है और ना बंद हो रही है, बस हल्की हल्की हो रही है बस बारिश। और गर्मी हो गई है, बरसात के मौसम में अगर खुल के बारिश ना हो ना, तो हल्की हल्की अगर बारिश हो तो आपस बन जाती है, गर्मी और ज़्यादा हो जाती है। ज़मीन जो है ना अपनी गर्माइश छोड़ती है,
तो इस वजह से गर्मी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। तो मिलते हैं कल एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।